हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब तो बच्चों पी देना है हमने इस बार 2020 में और पूरा जोर लगा करके पी देना है तो किसी भी पेपर की तैयारी से पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस पेपर में पहले क्या पूछा गया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का फ़ायदा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन वो दोबारा पूछा नहीं जाएगा ठीक है ये मिथ होता है इसीलिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से ठीक है अलग अलग रीजंस की वजह से आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नंबर वन एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है ठीक है आइडिया होना बहुत जरूरी है क्योंकि जी इतना वास्ट है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप भागते रहोगे फिर तो जनरल स्टडीज़ का कोई अंत नहीं है जितना मर्जी पढ़ लो उतना कम है तो आइडिया आपको लग जाता है कि एग्जामिनर ने भैया इस तरह के सवाल पूछने हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है किस तरह है से डिफिकल्टी लेवल क्या रखता है वो जनरली वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है दूसरा एक चीज ये भी है कि आपको क्वेश्चन में से एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए बहुत से लोग सिर्फ आपको क्या करेंगे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन पेपर्स हमने भी प्रोवाइड किए हुए हैं वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में आंसर की भी उनके साथ में ही है क्वेश्चन पेपर होने से सिर्फ कुछ नहीं होता कि ये चार ऑप्शन है इसका आंसर ए है तो क्या बाकी के ऑप्शंस में से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अब कहने को तो अकबर पे एक बार सवाल आ गया अगर एक बार तो ऐसा तो है नहीं कि अकबर से रिलेटेड दोबारा कोई और सवाल नहीं आ सकता या अकबर पे एक ही सवाल बनता है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में या अगर जोग्राफी में हम एटमोसफियर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन तो अलग अलग बन सकते हैं ना तो उस टॉपिक को थोड़ा सा वाइडली पढ़ो कि हाँ इस टॉपिक में से पहले इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसीलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम आपके साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दो का पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पंद्रह का पेपर डिस्कस करेंगे चौदह का पेपर डिस्कस करेंगे और बारह का भी पेपर डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज के जो है ठीक है तो ये दो के पेपर से शुरुआत कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं है कि रैंडमली चल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आज जो हमारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 2018 के पीसीएस में से वो बेसिकली आपके एन्वायरमेंट और जोग्राफी के एमसीक्यूज रहेंगे तो जो बच्चे ऑलरेडी पेपर देख देख चुके हैं पिछले साल के बहुत अच्छी बात है वो इसमें सोल्यूशन देखें और ये समझने की कोशिश करें कि आगे किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि आगे अब आपके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि इन टॉपिक्स में से पहले सवाल आ चुका है तो अब इन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ठीक है और और जिन बच्चों ने नहीं देखे अभी तक पेपर वो क्वेश्चन को देखे, को देखें वीडियो पॉज करें आंसर करने की भी कोशिश करें खुद से और लास्ट में खुद को इवेल्यूएट करें कि भैया हर क्वेश्चन के खुद को दो नंबर दें और पीसीएस में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो नेगेटिव मार्क्स खुद को मत देखना तो देखना कि कितना तुम स्कोर कर पा रहे हो अपनी प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से ठीक है चलिए और शुरू करने से पहले लेक्चर आपको बताना चाहेंगे हमारा पंजाब सिविल सर्विसेज़ के लिए पीसीएस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लेकर आ रहे हैं जो एक फास्ट ट्रैक कोर्स रहेगा इसमें हम आपको सितंबर से, से पहले पहले सारा जो है कोर्स कवर कराने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ताकि आपका जो है कवर हो जाए सेप्टेंबर से पहले ये हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी ठीक है तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से जाकर आप इसको एक्सप्लोर कीजिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ये कोर्स अवेलेबल है चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था पीसीएस 2018 में एनवायरमेंट में से तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो क्वेश्चन रिलेटेड है आई यू सी एन से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई यू सी एन कंसिडर्स अ स्पीशीज टू बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशल मेजर इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन डैश किलोमीटर स्क्वेर तो आई हैं आई एक रेड डाटा बुक मेंटेन करता है ठीक है इस रेड डाटा बुक में वो जो स्पीशीज होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लग, रखता है लीस्ट कंसर्न वर्लनरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड थ्रेट एंड इस तरह की जो है कैटेगरीज रहती हैं अकॉर्डिंगली कि कितना जो है रिस्क उस पर्टिकुलर स्पीशीज वो फेस कर रही है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो जिससे नेक्स्ट स्टेज पे फिर वो एक्सटेंशन की तरफ चली जाती है कि अब उसका कोई भी प्रजाति बची नहीं तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक कौन निकालता है एडिशनल इंफॉर्मेशन है आई निकालता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दो में बिल्कुल बन सकता है ठीक है तो आई के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए कि आई का हेड क्वार्टर्स कौन से देश में है आप कह दोगे कि आई का हेड क्वार्टर्स फ्रांस में है आई बना कौन से साल में था आप कह दोगे आई जो है 1948 में बना था ठीक है तो इस तरह के पॉइंट्स जो है आपको आई के बारे में सारा पता होना चाहिए डिटेल में आपको आई की खबर होनी चाहिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्रिटिकल एंड डेंजर होने के लिए आई ने क्या कहा कि कोई भी स्पीशीज कितने एरिया में उसका जो है दायरा फिक्स हो जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इससे मतलब क्या आता है कि सिर्फ इतने एरिया में ही ये पर्टिकुलर स्पीशीज मिलती है इसके बाहर पूरी दुनिया में कहीं पे ये स्पीशीज नहीं मिलती तो वो कितना किलोमीटर है इसका क्या आंसर होना चाहिए 2018 में ये पेपर आया था सीधा सीधा जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा पेपर वो अटेम्प्ट करने की कोशिश इसको खुद से करेंगे ठीक है तो आंसर इसका देख लेते हैं क्या है आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अब ऑप्शन नंबर बी है आपका सौ स्क्वेयर किलोमीटर ठीक है सौ किलोमीटर स्क्वेयर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है तो सौ किलोमीटर स्क्वेयर से अगर कोई स्पीशीज उसमें उसका दायरा फिक्स हो गया है तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि भैया अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए ये एरिया के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं वो क्या फैक्टर हैं अगर अब आप देखो ठीक है अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के लिए एक स्पीशीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कब माना जाता है जब वो कुछ सिचुएशंस को फुलफ़िल करे सबसे पहले अगर उसकी पॉपुलेशन उसकी आबादी कम हो रही है अगर उसकी पॉपुलेशन में नब्बे परसेंट से ज़्यादा गिरावट आ गई है पिछले दस साल में फॉर एग्जांपल 2001 में उस स्पीशीज़ के सौ लोग थे सौ की पॉपुलेशन थी और दो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ़ आठ रह गए यानी कि 92 परसेंट का क्या आ गया फॉल आ गया ठीक है तो वो क्या हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया दूसरी क्राइटेरिया क्या है पॉपुलेशन का साइज अगर जो मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं वो 50 से कम रह गए मतलब कि जो मेच्योर जानवर हैं उनकी क्वांटिटी 50 से कम रहेगी उनका नंबर 50 से कम रह गया तो वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि सॉरी ये वाला पॉइंट सवाल में नहीं था सवाल वाला पॉइंट मैंने यहां पर मैंशन नहीं किया तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है वो पहुंच जाता है अगर 50 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन कम होगी पिछले 10 सालों में ठीक है अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या शो करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड जो है वो 50 परसेंट हो गई है पिछले 10 सालों में तो उस केस में भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो यहां पर चार पॉइंट हो गए एक आपसे सवाल में पूछा गया था और उसके बाद तीन अलग पॉइंट यहां पर हो गए अब इस 2018 में स्क्वायर किलोमीटर वाला पूछ लिया जिसमें 100 आ गया 2020 में पूछा जा, कि जा, जा, जा सकता है तो इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है एस्टुरी से रिलेटेड सवाल है ठीक है और जब भी आप एग्जाम देने जाते हो ना क्योंकि अभी आपके ये एग्जाम्स ऑफलाइन ही होते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते नहीं तो अब इस स्टेटमेंट में पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज अ ट्रू अब जब भी मैं पेपर देता हूं मैं खुद भी जब पेपर देता था ये वाला या आगे भी मैं कोई पेपर दूं अगर तो मेरा सबसे पहले ध्यान ना इसी के ऊपर वर्ड पे जाता है तो आपने दो तीन वर्ड्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं ट्रू नॉट ट्रू करेक्ट नॉट करेक्ट इसमें एग्जामिनर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है मैं बार बार बच्चों को यही बताता हूं कि इसमें एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है और आपका आता हुआ सवाल आप गलत कर देते हो तो ये चीज आपने नहीं करनी है ठीक है तो पहले जो है गोला लगा लो कि ट्रू पूछा गया या नॉट ट्रू पूछा गया ट्रू पूछा गया है एश्चुरी के बारे में ट्रू पूछा गया है तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है एन एस्चुरी इज द प्लेस वेयर द रिवर फ्रेश वाटर मीट्स विद द ओशन वेटर वाटर जहाँ नदी का फ्रेश पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है दिस एरिया इज हाईली प्रोडक्टिव स्टेटमेंट थ्री कह रहा है दिस एरिया इज़ हाईली अनप्रोडक्टिव अब देखो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्री है ए सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि प्रोडक्टिव होता है थर्ड स्टेटमेंट कह रही है अनप्रोडक्टिव हो रहा होता है अब एक ही ठीक हो सकता है दोनों ठीक नहीं हो सकते ठीक है।, है तो अब मेरे को ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि हाईली अनप्रोडक्टिव वाली चीज नहीं है क्योंकि ये जो एरिया होते, है, होते हैं एस्टरी वाले ये प्रोडक्टिव होते हैं ठीक है अब थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि गलत है तो ऑप्शन डी मेरा हो नहीं सकता ठीक है और ऑप्शन बी मेरा है अब स्टेटमेंट वन मेरे को पता होनी चाहिए तभी मैं आंसर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास वन ओनली भी है टू ओनली भी है देखो वन ओनली तो हो नहीं सकता क्योंकि टू मुझे पता है कि ये है ही है तो अब आंसर इसका या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है अब स्टेटमेंट वन मुझे ध्यान से पढ़नी है कि जहां पे नदी का पानी समंदर के पानी से मिलता है क्या यह स्टेटमेंट सही है ये बिल्कुल सही है तो आंसर यहां पर मेरा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है वन एंड टू ओनली विल बी करेक्ट ये भी आपके दो में पूछा गया था अब यहां पर एश्चुरी की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का जिक्र है बच्चों ठीक है लेकिन एश्चरीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं तो आपको पता होना चाहिए एश्चुरी के बारे में कि एश्चुरी क्या होती है सवाल पूछा जा सकता है एश्चुरी क्या होती है एश्चुरी और एक होती है एश्चुरी एक होता है डेल्टा ठीक है इंडिया कि ईस्टर्न कोस्ट पे बनता है डेल्टा गंगा नदी बनाती है डेल्टा और वेस्टर्न कोस्ट पे जो रिवर्स बनाती है वो बनाती है एश्चुरी रीजन पूछा जा सकता है कि एश्चुरी और डेल्टा अलग अलग, अलग जगहों पर अलग अलग क्यों बनते हैं क्या कारण है एश्चुरी की और प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें सेलेंट फीचर्स एश्चरीज के मैं आपको बताऊँ ठीक है मिक्सिंग ऑफ सी एंड रिवर वाटर ये आपकी स्टेटमेंट में था इसीलिए वो स्टेटमेंट ठीक हो गई थी दूसरी स्टेटमेंट इट इज़ रिलेटिवली काम फ्रॉम सी वेवस एंड प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर न्यूमरियस टाइप्स ऑफ फोना एंड फ्लोरा ये जो है समंदर की जो वेव्स होती हैं अगर आप समंदर के तट पे जाओ तो वहाँ पर समंदर की वेव्स कितनी मतलब उग्रता से आती है लेकिन ये जो एरिया होता है वो शांत होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयेंटली सी वेव्स नहीं आती और इसी वजह से यहाँ पर फोना और फ्लोरा जो है वो फ्लरिश करते हैं और इसी के कारण ये एक प्रोडक्टिव रीजन बन जाता है एक कारण तो ये हो गया कि सी वेव्स यहाँ पर काम रहती हैं शांत रहती हैं दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्योंकि जो फ्रेश वाटर आता है तो फ्रेश वाटर अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है ठीक है और सेलाइन वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ पर आपका फ्रेश वाटर और सैलाइन मेराइन वाटर मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है फ्रेश वाटर के न्यूट्रियट्स भी और मेराइन वाटर के न्यूट्रिएट्स भी एक जगह पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रियट्स हो गए जिसकी वजह से ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है ठीक है और प्रोडक्टिविटी की वजह से ही यहाँ पर बहुत आबादी वाले शहर जो है आपको देखने को मिलेंगे एश्चुरीज के जो एरियाज हैं दीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड दुनिया की 50 परसेंट आबादी एश्चरीज और कोस्टल एरियाज में रहती है इनके प्रोडक्टिविटी की वजह से ठीक है ये एक इसका करेक्टरिस्टिक हो गया एक फीचर हो गया उसके बाद अगर आप देखो एश्चुरीज जो है ये एज अ फिल्टर एक्ट करती हैं ये नदी से आने वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको वहीं पर फिल्टर कर देती है और समंदर में जाने से रोक लेती है ठीक है एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह ये एक्ट करती है ठीक है ये भी आपसे सवाल में पूछा गया था कि पोल्यूटेंट्स को डिटॉक्सीफाई कर देती है उसके बाद और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके एश्चरीज सपोर्ट डाइवर्स हैबिटाइट्स अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको ट्रीज और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब देखने को मिलेंगे जैसे मैंग्रोव्स मैग्रोव आर वेरी फेमस ठीक है क्योंकि ये सॉल्ट वाटर में सस्टेन कर सकते हैं ठीक है सॉल्ट मार्शेज सी वीट सी ग्रासीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वट फ्लैट्स हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी टेरिस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कि टर्टल्स कैटफिश सी लॉय सी ग्रास ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे एश्चुरीज में बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे अगर आप केरला चले जाओ तो आपको केरला में बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो है एस्चुरीज वाले एरिया में देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है वहां पर हवा बहुत अच्छी चलती है ठीक है टीचिंग और रिसर्च के लिए क्योंकि इतना न्यूट्रिय रिच एरिया इतना नेचुरल एरिया इतनी सारी स्पीशीज यहाँ पर है तो टीचिंग और रिसर्च के लिए भी अच्छा है सॉइल इरोजन में प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है सस्पेंड मड एंड सैंड कैरिड बाई रिवर इज डिपॉजिटेड इन द माउथ ऑफ रिवर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा ठीक है तो ये सारे करेक्टरस्टिक्स हैं अब इन सारे करेक्टरस्टिक्स में से आपसे सवाल बना करके पूछा जा सकता है ठीक है पीछे तो दो ही करेक्टरस्टिक्स थे ना आप अगर इस सवाल में देखो तो यहाँ पर सिर्फ दो ही करेक्टरस्टिक्स थे अब मुझे 2020 में अगर एस्चुरी में से दोबारा सवाल पूछना है तो मैं और स्टेटमेंट बना दूंगा चलो एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यही है कि ट्रू बताओ कौन सा है अबाउट एस्चुरी यही क्वेश्चन है जो पहले था जो अट्ठारह में आ चुका मैंने एक स्टेटमेंट में कह दिया कि दे प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन दूसरे स्टेट में दूसरी स्टेटमेंट में मैंने कह दिया दीज आर द लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड ये दो स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी ठीक है ऑप्शन में मैंने आपको कह दिया वन ओनली टू ओनली बोथ नन सबसे पहले तो आप देखोगे मैंने क्या पूछा है ट्रू पूछा है अब स्टेटमेंट वन दे प्रोटेक्ट इरोजन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट टू लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया ये बिल्कुल गलत है हमने देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है दुनिया की 50 परसेंट आबादी जो है आपके एश्चुरी वाले एरिया में तो ये गलत हो जाती है तो टू ओनली वाली गलत हो गई वन ओनली सही है तो ये आंसर हो जाएगा 2020 में सवाल आएगा दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे तो इस तरह से आपने जो है अपनी तैयारी करनी है चलिए देखते हैं अगला सवाल अब कंपाउंड ऑफ डैश कॉज मिनामाता डिजीज अब यह सवाल जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग uh, क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप साइंस में भी डाल सकते हो साइंस का भी पार्ट बन जाता है हेल्थ इनिशिएटिव या हेल्थ स्कीम्स का भी पार्ट बन जाता है ये आपका एन्वायरमेंट का भी पार्ट जो है सवाल बन जाता है ठीक है तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आप यहाँ पर कवर कर सकते हो मैंने इसको इनवायरमेंट वाले एरिया में कवर किया ठीक है तो मिनमता डिजीज इनमें से कौन से कंपाउंड की वजह से होता है मर्करी कैडमियम कोबाल्ट फर्टिलाइजर्स देखो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स की वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं ठीक है थीके? लिस्ट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है अराउंड 20 से 25 ऐसे कंपाउंड्स uh, हैं और उनके डिजीजेज हैं जो हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और जो आपको भी करनी चाहिए ठीक है वो लिस्ट में आपको करा दूंगा उसकी चिंता मत करो ठीक है तो मिनेमाता किससे होता है ये सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया तो यहां जाएगा मिनमता डिजीज किससे होता है ये होता है मरकरी से ठीक है तो जो पानी मरकरी से पोल्यूटेड होता है और अगर वो फिर इंसान इन, कंज्यूम कर ले तो उसको ये पर्टिकुलर डिजीज हो जाता है ये डिजीज का ओरिजिनेशन अब कहा से हुआ सवाल पूछा जा सकता था एग्जामिनर पूछ सकता है कि मिनेमाता डिजीज कहा कौन से देश से हाईलाइट में आना शुरू हुआ तो वो आप कह दोगे जापान से जापान में क्या होता था जापान में फिश कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है लोग फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं तो पल्यूटेंट्स जो थे वो सी में जाते थे और सी में पल्यूटेंट्स uh, uh, जो पल्यूटेंट पानी होता था मरकरी उसमें होता था वो सी में चला जाता था और फिश उस पानी को कंज्यूम करती थी अल्टीमेटली फिश के अंदर मरकरी चला गया और फिर इंसान उसको फिश को कंज्यूम कर लेते थे जिसकी वजह से इंसानों के अंदर मरकरी आने की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज हो जाता था ठीक है तो पूछा जा सकता है कि कौन से देश से निकला है तो आप कह दोगे जापान से निकला है ठीक है अब सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन था कैडमियम अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि भैया कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं तो आप कह दोगे कि कैडमियम एक एयर पोल्यूटेंट है उसकी वजह से हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं ये लिस्ट है एक पंद्रह बीस बीमारियां हैं और पंद्रह बीस कंपाउंड है जिनकी वजह से अलग अलग डिजीजेज होते हैं वो आपको करना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्सट अब सबसे पहले मेरी मेरा मेरा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं ढूंढने लगूंगा करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट ट्रू पूछा है नॉट ट्रू मैं कह दूंगा करेक्ट पूछा है गोला मार लिया भैया गोला मारना बहुत जरूरी है ठीक है ऑफलाइन एग्जाम है आप लोगों का तो गोला मार लेना आप भी नहीं तो बहुत गलतियां होती हैं इसकी वजह से तो करेक्ट पूछा गया किसके बारे में क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल के बारे में अच्छा ठीक है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं कहता है कि ये ग्लोबल फॉरम है जो प्रमोट करता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को जो जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए काम करती है ठीक है स्टेटमेंट टू कहता है कि इंडिया पार्टिसिपेटिंग नेशन है ठीक है स्टेटमेंट थ्री कहता है कि इंडिया ने डिनाई कर दिया पार्टिसिपेट करने से देखो अगर मेरे को इसके बारे में नहीं भी पता ना फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। तो और अगर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पीसीएस में है नहीं तो क्वेश्चन तो देखो सारे के सारे करके आने हैं पीसीएस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन तो मैंने सारे करके ही आने हैं क्वेश्चन नहीं मैंने छोड़ना चाहे मेरे को तुक्के लगाने पड़े लास्ट में अब जब मैंने क्वेश्चन सारे करके आने हैं तो मैं ये लगाऊंगा यार इंडिया तो नेचर को इंप्रूव करने की इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने की इतनी बात करता रहता है और इंडिया तो क्लीन एनर्जी के लिए इतना काम कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का गोल है कि 175 गीगावाट जो है क्लीन एनर्जी होनी चाहिए ठीक है तो इंडिया डिनाई कर देगा क्या पार्टिसिपेट करने से तो अगर मुझे तुक्का लगाना पड़ेगा मैं इसको कह दूंगा नहीं इंडिया ने नहीं डिनाया किया होगा अच्छे काम के लिए इंडिया कभी डिनाई नहीं करता तो थर्ड स्टेटमेंट को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ ए गया बी गया डी गया ठीक है क्योंकि इन सब में तीन थर्ड थ्री ओनली है मेरे पास ऑप्शन बचता है सी तो मैं इसका पेपर में आंसर सी लगाऊंगा अगर मुझे तुक्का ही लगाना है अगर मुझे बिल्कुल आता ही नहीं क्योंकि सवाल हमने छोड़ के तो आने ही नहीं ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्या ये आंसर ठीक हो जाएगा ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर सी ही रहेगा ठीक है आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने से आपने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ठीक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसके बारे में पढ़ के ही ना जाओ तो क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के साथ साथ क्ली एन क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जितनी सरकार की स्कीमें हैं वो आपको पता होनी चाहिए और जितने सरकार के इनिशिएटिव है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए आपको इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के बारे में पता होना चाहिए आपको पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पता होना चाहिए आपको इंडिया का जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंडिया में जो हमारी जो स्कीम्स हैं चाहे वो सरकार एलईडी लाइट्स को प्रमोट करने की स्कीम हो चाहे सरकार की एलपीजी को प्रमोट करने की स्कीम हो जो उज्ज्वला स्कीम है आपकी ठीक है चाहे वो आपकी नेचुरल गैस पाइपलाइंस वाली स्कीम्स हो ये सारी स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए आपके ये आपको पता होने चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं अगर क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है तो इन सब के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मेरा ध्यान कहाँ जाएगा आप सबसे पहले मैं ढूंढूंगा क्या करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट अरे करेक्ट पूछा है चलो क्लियर हो गया अब माइंड में क्लैरिटी बन चुकी है कि करेक्ट पूछा है अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन क्या कहता है कि इट वॉज़ फॉर्मड इन ऑर्डर टू फुलफिल इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन अंडर द सी कि भैया हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है अपनी सी बी एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके अंडर जो हमारे को नीड्स पूरी करनी थी उसके तहत हमने ये बनाया स्टेटमेंट टू कहता है कि एज पर द लॉ ओनली अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज़ कंसिडर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी वाइल्ड लाइफ ट्रॉफ़ी होती है ना पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा पुरानी मूवीज़ में वो राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो वो कटे हुए हिरण की या शेर की गर्दन उनकी दीवारों पर टंगी हुई दिखती थी उसको वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी बोलते थे कि हाँ देखो शिकार किया है आज शेर मार के आए हैं हम ठीक है तो स्टेटमेंट टू क्या कहता है कि लॉ के हिसाब से यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ओनली अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज कंसिड एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी क्या यह स्टेटमेंट ठीक है अब करेक्ट पूछी गई है क्या आंसर होगा इसका देखो अब इसमें सबसे पहले अगर आपको बेसिक एक आइडिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू लिखा है इसका मतलब ये एक्ट आया था नाइनटीन सेवनटी टू में अगर अब आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का और अगर आपको पता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो नाइनटीन नाइनटी टू में आई थी एक्ट आ गया नाइनटीन सेवनटी टू में स्टेटमेंट लेकिन ये कह रही है कि ये वाला एक्ट हमने इसलिए बनाया था ताकि हम सी डी के अंडर हमारी ऑब्लीगेशन को पूरा कर सकें पर ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये एक्ट तो 20 साल बाद आया ऐसा तो है नहीं कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ऐसे आंखें बंद करके बैठी और उन्होंने कहा कि भैया 20 साल बाद एक ऐसा एक्ट आएगा जिसके अंडर हमें ऑब्लिगेशन लगेगी तो हम अभी बना देते हैं ऐसा तो नहीं है ना तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो तो जाती है क्योंकि ऑब्लीगेशन तो तब आती जब ये होता ये तो था ही नहीं उस टाइम तो स्टेटमेंट टू इज़ रॉन्ग तो बी ऑप्शन हट गया डी ऑप्शन हट गया अब या तो आंसर सॉरी बी हट गया सी हट गया अब या तो ए आंसर हो सकता है या डी आंसर हो सकता है तो क्या होगा आंसर स्टेटमेंट टू कहता है कि एज पर द लॉ ओनली अ पार्ट ओनली अ पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी क्या ये सही है नहीं ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा नीदर वन नर टू इज करेक्ट ठीक है एक्ट के हिसाब से आप किसी भी जानवर के किसी भी हिस्से को एज अ ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं कर सकते ओके स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1972 सेवेंटी टू एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इन नाइनटीन ठीक है तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साइलेंट फीचर्स पता होने चाहिए पता होने चाहिए भैया बिल्कुल पता होने चाहिए ठीक है दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस कन्वेंशन के बारे में आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए इस कन्वेंशन के अंदर सब कन्वेंशन है कुछ उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है ये सब तैयारी हम आपको जो है कॉम्प्रीहसिव कोर्स में आप जब इन्वायरमेंट उसमें डिस्कस करेंगे तब उसमें हम करवाएंगे और उसके अलावा यूट्यूब पे हमारे एमसीक्यू कोर्सेज तो चलेंगे ही जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी आपको ये चीजें करने को मिलेंगी चलिए अगला सवाल देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता है लेकिन अगर आप पंजाब के पेपर की तैयारी करके गए हो पीसीएस में आपका सिलेक्शन का ड्रीम है तो इस तरह के क्वेश्चन बोनस बोनस क्वेश्चन क्वेश्चन है, ये है। अगर यह क्वेश्चन आपका पेपर में गलत हो रहा है ना तो मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की पीसीएस की आई एम वेरी स्ट्रेट टू यू मैं सीधा मुंह पे बात करता हूं और सीधा मुंह पे मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता तो आपने पीसीएस की तैयारी करी ही नहीं ये सब बेसिक है ठीक है आप साडा पंजाब पढ़ते हो पंजाब की तैयारी के लिए पंजाब की जीके के लिए तो अगर वहाँ से भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता फिर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपका पेपर जो है क्लियर होगा ठीक है तो कांजली वेटलैंड कहाँ पर है पर, कौन सी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में है कपूरथुला में है मोगा में है तरन तरन में है फजीलका में है फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है ठीक है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिलता है कि आपसे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो है लोकेशंस पूछी जा सकती हैं वेटलैंड पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है अगर कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूछी जा सकती है कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है अगर मैं आपको कि बताओ भैया जो अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है क्या आपको पता है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पता है अमृतसर के कमेंट में बताओ मेरे को नहीं तो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैंने आपके साथ अभी अगर हमारी आपने सीरीज़ देखी हो विसा पंजाब का सीरीज आ, अगर आपने देखी हो जो पी 2020 एस की हम चला रहे हैं उसमें अगर आपने लेक्चर्स देखे हो तो उसमें मैं अभी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट पंजाब कवर कर रहा हूँ उन जनरल वीडियोस में पहली तीन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा मैंने पंजाब के स्टेट एनिमल के बारे में डिस्कस किया है ठीक है मैंने पंजाब डिटेल में सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टेट एनिमल कौन है वो चीज़ें नहीं मैं करता वो तो आप कहीं से ही पढ़ लोगे स्टेट एनिमल से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेट एक्विटी एनिमल कौन है स्टेट बर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेट ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट चंडीगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसमें ही मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आप बर्ड का पूछ लिया पंजाब के ठीक है बर्ड का क्या है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए अब 2018 में बर्ड का पूछ लिया 2020 में आपसे एनिमल का पूछ सकता है ठीक है कि भाई स्टेट एनिमल का हमें जो है साइंटिफिक नेम बताओ स्टेट आपसे एक्वेटिक एनिमल का साइंटिफिक नेम पूछ सकता है स्टेट ट्री का आपसे साइंटिफिक नेम पूछ सकता है तो ये सारे आपको पता होने चाहिए ये सब डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं ठीक है आप देख सकते हो उसको हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है विरसाफ़ पंजाब दा उसमें आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पंजाब से रिलेटेड वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे आपके ठीक है यूट्यूब की प्ले उसमें बनी हुई हैं ओके okay, तो ये जो आपका बर्ड है इसको नॉर्दर्न गौशाख या बाज या बाज भी कहा जाता है और सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और टेनिसिटी माना जाता है गुरु गोबिंद सिंह के जी के हाथ में जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथ में आप वो पिक्चर में देखते हो जो उन्होंने चिड़िया उनके बैठी होती है दैट इज बाज ओनली ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द रैप्टर एमओ यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग रैप्टर एम ओ यू ठीक है तो रैप्टर एमओ यू इसके बारे में पूछा और ट्रू ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है कि इनमें से कौन सी रैप्टर एमओयू से रिलेटेड ट्रू है स्टेटमेंट आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है ओके नंबर इट फॉल्स अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ठीक है यूएन कन्वेंशन के अंडर आता है स्टेटमेंट टू कहता है कि इट इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया थर्ड कहता है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है थर्ड कहता है द रैप्टर एमओ यू एक्सटेंडेड कवरेज टू सेवेंटी सिक्स स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे आउट ऑफ विच मैनी स्पीसीज ऑल्सो वकर इन इंडिया ट्रू पूछा गया ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी थ्री ओनली फोर ओनली एंड बी डी वन टू एंड थ्री वन टू थ्री फोर ओनली वीडियो को पॉज करके आंसर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा ओके okay, तो आंसर इसका बच्चों है ऑप्शन डी यानी कि आपकी चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं पहली स्टेटमेंट थी कि यूएन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अंडर आता है बिल्कुल आता है स्टेटमेंट टू थी कि कंजर्वेशन ऑफ प्रे अफ्रीका और यूरेशिया के पंछियों का बिल्कुल ठीक है लीगली बाइंडिंग नहीं है बिल्कुल ठीक है सेवेंटी सिक्स स्पीशीज़ को कवर करती है बिल्कुल ठीक है ठीक है तो अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो रैप्टर एमओयू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो रैप्टर एम जो है भारत सरकार ने 2016 में भारत सरकार इसकी सिग्नेटरी बनी और इंडिया फिफ्टी कंट्री था जो रैप्टर एमओयू का सिग्नेटरी बना ठीक है रैप्टर एम जो है इसको दो ये जो ऑपरेशन में आया था ये 2008 में आया था और इफेक्ट में भी ये उसी साल आ गया था ठीक है अब अगर आप बात करो कि इंडिया में क्या प्रोसेस रहा तो दिसंबर में 2015 में अप्रूव कर दिया गया था कि हाँ भैया इसको आप जो है रैप्टर एमओयू को आप साइन कर सकते हो अब ये जो रैप्टर एमओयू है ये आपका कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोस माइग्रेटरी स्पीशीज जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जा सकता है अब ये भी एक फैक्ट हो गया बॉर्न कन्वेंशन आपसे पूछा जा सकता है अभी पीछे लिखा गया था स्टेटमेंट कि इट फॉल्स अंडर द यू एन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अगर स्टेटमेंट इसकी जगह ये लिखा होता कि इट फॉल्स अंडर द बॉर्न कन्वेंशन सिर्फ चार वर्ड में स्टेटमेंट कर दिया होता तो अब अगर ये सवाल आ गया 2020 में सेम स्टेटमेंट रिपीट होकर आ गई बस इसकी जगह बॉर्न कन्वेंशन लिखा आ गया तो बहुत सारे बच्चे सर खुजाने लगेंगे लेकिन आंसर क्या है ये आंसर फिर भी सेम ही रहेगा ये स्टेटमेंट सही ही रहेगा तो इस तरह से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है ठीक है और ये जो सी है जो माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए ये जो एक पूरा कन्वेंशन है ये 1983 में साइन किया गया था इंडिया के द्वारा ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आती है ओके अगर अब हम रैप्टर एमओयू के बारे में देखें कि रैप्टर एमओयू क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अंडर एक एग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग ये नहीं है तो एमओयू काम क्या करता है कि ये जितनी भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं जिन्होंने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया है या अप्रूव किया है वो सारी मिलकर के रैप्टर स्पीशीज़ को कंजर्व करने की बात करते हैं रैप्टर स्पीशीज़ वो होती हैं जैसे कि ईगल जो प्रे करती हैं डेड एनिमल्स के ऊपर डेड प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर ऐसी स्पीशीज़ को कंजर्व करने की यहाँ पर बात की गई है सेवेंटी सिक्स स्पीशीज़ को अभी ये कवर करता है ठीक है और इनमें से इन सेवनटी सिक्स स्पीशीज़ में से फोर्टी सिक्स स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इंडिया में अकर करती हैं ठीक है इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी आपसे पॉइंट पूछा गया था कि बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो इंडिया में अकर करती हैं तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर आपका सही हो जाएगा तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह आपसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको उस चीज के लिए तैयार किस तरह से खुद को करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू बर्ड्स बोल्ड में लिखा हुआ है ट्रू ठीक है सर्कल कर लेंगे अबाउट इंडियन वल्चर इंडियन कल्चर से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया अगेन साइंटिफिक नेम या बायो बायोनॉमियल नॉमिन कल्चर देखो ये बहुत पूछा जाता है तो पता होना चाहिए बेसिक बेसिक्स का और क्योंकि इंडियन कल्चर अक्सर न्यूज में रहता है तो इसी वजह से इसका साइंटिफिक नेम से पूछ लिया है तो कह रहा है कि इसको जिप्स इंडिकस कहते हैं ओके स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वर्ल्चर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज पॉइजनिंग कॉज बाई वेटेनरी ड्रग डाइक्लोफ्लैनिक ठीक है डाइक्लोफ्लैनिक एक ऐसा ड्रग है जो काउज़ या बफेलोज या को दिया जाता है ठीक है इनकी जो फीवर वगैरह में काउज वफेलोज वगैरह को जो दिया जाता है और जब ये एनिमल्स की डेथ हो जाती है काओ की किसी की डेथ होगी तो उसको ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है और वल्चर्स उनके ऊपर फीड करते हैं तो जब एक डेड काओ या डेड बुफेलो के ऊपर वल्चर फीड करता है तो ये डाइक्लोफ्लिनैक जो है ये वल्चर्स के अंदर एंटर कर जाता है और इसकी वजह से जो है वो कॉन्शियसनेस लूज करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मैंने आपको बता ही दिया चलो स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है कि जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन झारखंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा रहता ही है ये और सरकार ने डाइक्लोफ्लिन एक बैन भी कर दिया है पंजाब सरकार ने तो इसको कंप्लीटली बैन कर दिया है यूज उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेटमेंट फोर रिसेंटली जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वॉज लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वल्चर बाय द हरियाणा गवर्नमेंट अब एक मिथ रहता है चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं आंसर क्या होगा ए वन एंड टू ओनली बी थ्री एंड फोर ओनली सी वन टू थ्री फोर या डी वन टू एंड फोर क्या आंसर होगा चलो ठीक है तो आंसर इसका होगा बच्चों ऑप्शन डी ठीक है ऑप्शन डी क्यों होगा क्योंकि ये जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ना ये स्टेटमेंट आपका गलत था थर्ड स्टेटमेंट गलत था थर्ड स्टेटमेंट गलत इसीलिए था क्योंकि ये वाला जो सेंटर है आपका पिंजौर हरियाणा में है पिंजौर जो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है ठीक है अब एक मिथ यहां पर बस्ट होता है मिथ खत्म हो जाता है एक पंजाब का पेपर है तो पंजाब के बारे में ही पूछेंगे पर दोनों स्टेटमेंट हरियाणा से कंसर्न है तो पंजाब की पड़ोसी स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए पंजाब हरियाणा राजस्थान ठीक है चंडीगढ़ तो हो ही गया हिमाचल इन स्टेट्स के करंट अफेयर्स के बारे में भी अवेयर होना है और स्पेशली हरियाणा और राजस्थान पिछले साल के पेपर उठा के देख लो हरियाणा और राजस्थान के करंट अफेयर में से सवाल पूछे हुए हैं पंजाब के करंट अफेयर में से नहीं सवाल पूछे हुए ये हरियाणा के करंट अफेयर में चल रहा था पिछले साल तो ये एक मिथ रहता है बच्चों का तैयारी करते समय कि हरियाणा के बारे में हमने क्या पढ़ना पंजाब में से पूछेंगे तो सिर्फ पंजाब का पढ़ते हैं 2018 का क्वेश्चन है क्लियर है तो जिप इंडिकस इसको कहते हैं डाइक्लोफ्लिनक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हरियाणा में है पिंजौर में और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है चलिए ये सारे जो हैं डिटेल में कवर होते हैं आपके कोर्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द एग्रो क्लाइमेटिक जोन गिवन इन कॉलम ए विद इट्स एरिया गिवन इन कॉलम बी ठीक है मैच द फॉलोइंग ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन ए सेंट्रल प्लेन जोन कहाँ पर है सब माउंटेन अंडोलेटिंग जोन कहाँ पर है वेस्टर्न जोन वेस्टर्न प्लेन जोन ज़ोग्राफी पंजाब की आ जाती है पंजाब की ज़ोग्राफी का क्वेश्चन है भाई पंजाब की ज़ोग्राफी का क्वेश्चन है पता होना चाहिए इन सारे एरियाज़ के बारे में सब पता होना चाहिए ठीक है तो तैयारी करते हुए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ लेना है कहाँ कहाँ पर कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है कैसे कैसे रीजनस में डिवाइडेड है लैंग्वेज के बेस पे कैसे डिवाइडेड है सारा पता होना चाहिए तो आंसर इसका क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी में है सेंट्रल प्लेन जोन जो है आपका आ जाता है जलंधर में और उसके बाद सब माउंटेन एंडुलेटिंग जोन आ जाता है आपका होशियारपुर में वेस्टर्न जोन आ जाता है आपका मोगा में वेस्टर्न प्लेन जोन आ जाता है आपका फिरोजपुर में ठीक है तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं ये मैं भी आपके साथ यूट्यूब पर ही हमारी जो पंजाब की जो फ्री सीरीज चल रही है उसमें कवर करने की पूरी कोशिश इसको सब चीजों को करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन डैम के ऊपर सवाल है तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ठीक है करेक्ट के ऊपर मैंने गोला लगा लिया कहता है कि बागलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये चनाब नदी के ऊपर डेवलप हुआ है दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो झेलम के ऊपर डेवलप हुआ है सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो है ये रावी के ऊपर डेवलप हुआ है आपको बताना है कि कौन सा ठीक मैच हुआ हुआ है ठीक है आपको पता होना चाहिए मतलब कि एग्जैक्टली कौन से रिवर के ऊपर ये डैम्स जो हैं डेवलप हुए हैं ठीक है पंजनाथ पंजनाथ से रिलेटेड सवाल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो आपकी पं पाँच पंजाब की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही हैं और ये नदियाँ वैसे भी डिस्प्यूट में ये प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इन पर एतराज़ उठाता है कि भैया इंडिया हमारा पानी रोक लेगा ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्टली मैस्ड है तो आंसर देखते हैं इसका आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए वॉज वन ओनली यानी कि बागली हार जो है ये चेनाब के ऊपर ही है बाकी दो आपके स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं क्योंकि दुलहस्ती जो है ये चेनाब के ऊपर है ये भी और सलाल जो है ये भी चेनाब के ऊपर है यानी कि ये जो तीनों प्रोजेक्ट गिवन है ये तीनों चेनाब के प्रोजेक्ट्स हैं झेलम और रावी के नहीं है लेकिन आपको झेलम और रावी के प्रोजेक्ट्स भी पता होने चाहिए ओके okay? पांचों नदियों के ये जो पंचनाद है इनके तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नेम्स आपको ये सारे पता होने चाहिए इनफैक्ट बाकी स्टेट्स के भी जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि हमें ये बताओ कि हिराकुट डैम किसके ऊपर है ठीक है इंपॉर्टेंट डैम्स आपको सारे पता होने चाहिए लेकिन पंजाब के और ये पंजनाद के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड अगेन मैच द फॉलोइंग लेकिन इस बार क्या पूछा है नॉट करेक्टली मैस्ड कौन सा सही मैच नहीं है तो मुझे इस चीज को ध्यान में रखना है कि मुझसे पूछा गया है कि कौन सा सही मैच नहीं है अगेन वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर सवाल है वाटर वॉट सिर्फ वाटर नहीं वाटर भी आ गया इसमें पावर भी आ गया न्यूक्लियर भी आ गया आपको बताना है कौन सा ठीक है मुंद्रा के साथ अल्ट्रा पावर है कांडला के साथ टाइडल है सेतु समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ठीक है म न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है तो इसका आंसर सीधा सीधा सा है आसान सवाल है अगर करंट अफेयर फॉलो करते हो तो भी ये इजीली कवर हो जाएगा तो आपका आंसर यहां पर क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखो अब यहां से मुझे सीख क्या मिल रही है व्हाट आई लर्न फ्रॉम एयर मेरे को सारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए कहाँ कहां पर है लोकेशन और स्टेट मुझे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए मुझे इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स कोल पावर प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए और मुझे इंपॉर्टेंट इंटर लिंकेजेस वाले जो इंटर लिंक करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो सड़कों को लिंक करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो पोर्ट्स को लिंक करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो हाईवेज को लिंक करने वाले प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो सेतु समुद्रम क्या है सेतु समुद्रम एक कैनाल प्रोजेक्ट है ठीक है ये शिपिंग रूट क्रिएट करना चाहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ठीक है तो इसी वजह से आपको ऑप्शन में गिवन था हाइड्रो पावर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है तो ये प्रोजेक्ट तो मुझे याद होने ही चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड जीरो माइल सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इज इन इन इंडियाज़ जोग्रफिक सेंटर ठीक है जियोग्राफी का स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है लेकिन गेस्ट होम लगा के आएंगे ही इस पर इंडियाज जोग्राफिक सेंटर अब ये सारे एरियाज ना अब ये सारे एरियाज थोड़े से सेंटर में ही आते हैं देश के तो कंफ्यूजन हो सकती है तो आता है तो ठीक है नहीं तो तुक्का तो इसका आंसर वैसे क्या है इसका आंसर है आपका नागपुर नागपुर में आपका जीरो माइल सेंटर पाया जाता है ठीक है तो नागपुर को अगर आप देखो तो इंडिया का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और इसी वजह से यहाँ पर जीरो माइल मार्कर भी लोकेट किया गया है अब अगर आप देखो द डिस्टेंस ऑफ वेरियस सिटीज़ विच आर मेजर्ड फ्रॉम हेयर आर काव्ड ऑन द पिलर इरेक्टेड एट द जीरो माइल साइट इसी वजह से नागपुर को जीरो माइल सेंटर भी कहा जाता है इस तरह के क्वेश्चन तो आपकी किस्मत के ऊपर होते हैं कि आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे नहीं तो जयराम जी की नेक्स्ट सवाल अगेन जोग्राफी का क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग करेक्ट पूछा गया है जवार ये सारी माइंड है अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं तो पूछा गया आपसे कि माइन mine और मिनरल क्या करेक्टली मैचड हैं ऑप्शन आपके सामने गिवन है तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू एंड थ्री ओनली खेतरी माइंस राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि खेतरी माइन्स कहाँ पर है या मैच द फॉलोइंग में आपको क्या कह देता खेतरी और स्टेट राजस्थान आपको बताना होता क्या आप खेतरी राजस्थान के साथ करेक्टली मैच्ड है ओके okay, उसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट बालाघाट मैंगनीज के लिए फेमस है ओके बालाघाट इज फेमस फॉर मैंगनीज। आपसे पूछा जा सकता था कि बालाघाट माइंस कहां पर है पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता एक सेकेंड ना पूछा जा सकता है ना तो बताओ बालाघाट माइंस कहाँ आएगी बालाघाट माइंस एम ये मैच द फॉलोइंग में डाल देते उसके बाद ये दो आपकी गलत हो गई जवार और जाडूगूडा ठीक है क्योंकि जवारर जो माइंस हैं ये आपकी फेमस है जिंक के लिए और जादूगुडा माइंस जो है ये आपकी झारखंड में है ये फेमस है यूरेनियम के लिए ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ़ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन इक्विटोरियल रीजन इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेट होती हैं अब आपको इक्वेटोरियल रीजन के फीचर्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है इस तरह के फीचर्स आपको पता होने चाहिए ठीक है ऑप्शन है रबर कोकोआ, टी शुगर के कौन सी क्रॉप्स इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो की जा सकती हैं चारों तो आंसर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर अब देखो क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्प्रेचर भी इन क्रॉप्स के लिए आइडियल होता है इसीलिए वहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं तो इक्वेटोरियल रीजन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए जोग्रफी में ठीक है ना तो इस तरह से आपने देखना है कि हाँ इस तरह के सवाल आपसे जो है पूछे जा सकते हैं सिमिलरली सवाल आपसे पूछा जा सकता था आपको कह देते बताओ ट्रॉपिकल रीजन की कौन सी क्रॉप है इनमें से या टेम्परेट रीजन की कौन सी क्रॉप है इनमें से या डेजर्ट रीजन में कौन सा प्लांट कल्टीवेट किया जाता है या हिल रीजन में कौन सा ट्री मिलता है इस तरह के सवाल की वेरिएशन बना के आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्सट ऑफ सोलर ब्रीफ केस अब देखो सोलर ब्रीफ केस के ऊपर सवाल पूछ लिया तो कहता है कि इट वॉज लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड चैरिटेबल फंडिंग एजेंसी स्वैन कल्चरल सेंटर एंड फाउंडेशन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव उस उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था ठीक है आंसर बता देता हूँ पहले इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था ठीक है उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था तो आंसर है वन ओनली तो सबसे पहले तो मिथ दोबारा बस्ट हो गया कि सिर्फ पंजाब के करंट अफेयर आएंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर भी पूछ लिए ठीक है तो आप उस चीज में वहम में मत रहना कि सिर्फ पंजाब के करंट अफेयर आएंगे आजकल आते ही नहीं है राजस्थान का पेपर आप देने चले जाओ स्टेट सर्विसेज का राजस्थान के करंट का एक सवाल नहीं पूछेंगे पंजाब हरियाणा के करंट का सवाल पूछेंगे पंजाब के पेपर में आपको पंजाब का एक करंट अफेयर का सवाल नहीं मिलेगा राजस्थान हरियाणा के करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे और उत्तराखंड का भी मिल गया तो ठीक है तो वो वहम अपने दिमाग से जो है आप कंप्लीटली निकाल दीजिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि एम कहता है कि भैया इसका इनिशिएटिव का एम है कि जो व्हीकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का लोगों को ऐसा नहीं है ये एक ब्रीफ केस होगा ठीक है और इसमें सोलर सेल लगे होंगे तो आप इसको कैरी कर सकते हो पोर्टेबल फॉर्म में और जहाँ पे भी आपको बिजली की रिक्वायरमेंट है वहां पे ये सोलर एनर्जी टैप करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देगा तो ये काम था इसका सोलर ब्रीफ केस का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एलिमेंट विच इज जनरली अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद एंड एंड कॉजेज आउच आउच डिजीज इन ह्यूमन बींग अभी पीछे देखा मीना माता डिजीज पूछा गया था वो कहाँ से आया जापान से ओरिजिन हुआ पानी के थ्रू जाता है इंसानों के अंदर या मछली के थ्रू जो जो पानी खाते थे अब पूछ लिया आउट आउच अब आउट आउच, आउच बता दिया कि जेडेन एक तो जेडेन और इसके अलावा कौन सा कंपाउंड है प्लांट्स इसको एबजॉर्ब कर लेते हैं और फिर ह्यूमंस उन प्लांट्स को खा लेते हैं उन फ्रूट्स को खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको ये डिजीज़ हो जाता है तो कौन सा कंपाउंड है जैसे पहले मरकरी वाला सवाल था वैसे ही सवाल है तो सेम टाइप का सवाल दो पूछ लिए तो ये मैंने आपको बताया ना पंद्रह बीस पच्चीस बीमारियों की लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए जो हम आपको कराएंगे इन्वायरमेंट वाले में पेड़ कोर्स में जो है आपका वो आप इसीलिए एक्सप्लोर करो उसको एक बार ठीक है तो आंसर क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कैडमियम की वजह से ओके okay, कैडमियम की वजह से अभी हमने पीछे देखा था सॉरी uh, कैडमियम नहीं था वो कोई दूसरा मिनरल था तो कैडमियम की वजह से आपका आउट आउट डिजीज होता आउच -आउच आउच -आउच है आउट आउस डिजीज़ क्यों इसको आउटआउस डिजीज़ क्यों कहते हैं क्योंकि इससे ना आपकी बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है तो जब आपकी बोन आपको पेन होती है आप करते नहीं आउट तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया आउट आउस डिजीज ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल Which what is meant by the term oil zapper that we frequently hear in the news? Oil zapper से क्या मतलब है पुराना सवाल हो चुका है अब तो लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एन सी आर टी में भी मिल जाएगा आपको ये ठीक है अगर आप एन सी आर टी पढ़ते हो ना साइंस वगैरह की तो उसमें भी मिल जाता है ऑप्शन ये कहता है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जो ऑयल स्लज या ऑयल स्पिल हो जाता है ना समुद्रों में ऑयल खिंड गया किसी शिप में लीकेज होगी समंदर के ऊपर ऑयल 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 फैल गया तो उसको साफ़ तो करना पड़ेगा ना नहीं तो वो उस, उसी पानी के ऊपर तैरता रहेगा और उसका नुकसान ही होता है कि जो एक्टिक लाइफ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है स्टेटमेंट टू कह रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए गलत है स्टेटमेंट सी कहता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाई बायोफ्यूल यंग ऐसा कुछ भी नहीं है डी कहता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टू कंट्रोल द एक्सीडेंटली कॉज फ्लेम्स फ्रॉम ऑयल वेल्स ऐसा भी नहीं है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो जो ऑयल स्लज होता है ना या जो ऑयल स्पिल हो जाता है जो फैल जाता है उसको ये एब्जॉर्ब कर, कर लेता है उसको ख़त्म कर देता है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर या तो ऑयल स्पिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ऑयल स्पिल्स की क्या प्रॉब्लम होती है किस वजह से ऑयल स्पिल्स होते हैं ये सब चीज़ें और क्या ऑयल जैपर के अलावा भी कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस चीज़ में हेल्प कर सकता है या और कोई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है कि जो इस चीज़ में हेल्प कर सके तो वो भी पूछी जा सकती है आपसे तो ये थे दोस्तों आपके इन्वायरमेंट के सवाल और इसमें कुछ जोग्राफी के लोकेशन बेस्ड सवाल भी थे जो आपसे पी में पूछे जाते हैं ठीक है इसी तरह से आपको सारे जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं अब दो का अगर आप देखो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका पॉलिटी का भी होगा आपका हिस्ट्री का एक अलग लेक्चर होगा तो इस तरह से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम आग में आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस तरह से पूछे गए हैं और क्या आपको एडिशनल पढ़ना चाहिए तो चैनल अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब के बटन के साथ में घंटी सी बनी होती है से। उसको जाके आप कर देना नोटिफिकेशन आपको फिर मिलती रहेगी कि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ठीक है तो तब तक के लिए धन्यवाद सेहत का ख्याल रखिएगा और कोरोना में खुद को बचा करके रखिएगा एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कर लेता हूँ जाने से पहले कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है या तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर कॉल मत करना व्हाट्सएप कर देना प्रेफरेबल रहेगा कॉल शायद ना उठे और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मेल भी कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ठीक है कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर एक्सप्लोर कर लो नाउ फाइनली थैंक यू एंड बाय बाय